कई बार रियलिटी शोज के कंटेस्टेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर वो शो के होस्ट को मस्का लगाएंगे तो डेफिनेटली उनके लिए ये जर्नी जो है वो आसान हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जी हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस वक्त लॉकअप के अंदर किसी एक को ये गलतफहमी शायद से हो गई है, शायद। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। इस वक्त एक वीडियो सामने आया है, जी हाँ, एक प्रोमो शेयर किया गया है एमएक्स और ऑज बालाजी पर। इस प्रोमो में साफ तौर पर कई सारे लॉकअप वासी जो बैठे हुए हैं, उसमें अली मर्चेंट हैं डेफिनेटली, उन्हीं के साथ साथ बैठे हुए हैं करणवीर बोहरा, और जो सबसे खास बात है वो ये है कि अंजलि यहाँ पर करण कुंद्रा की तारीफों के पुल बांधती नजर आ रही हैं। जी हाँ, लिटरली पुल बांधती नजर आ रही है, और सिर्फ करण की नहीं बल्कि कंगना रनौत को लेकर भी काफी कुछ कह रही है वो। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि यहाँ पर ये जो प्रोमो आउट हुआ है इसको शेयर करते हुए ऑल्ट बालाजी लिखते हैं, क्या अंजलि और अली लगा रहे हैं कंगना रनौत को कहीं ना कहीं, कंगना और करण को कहीं ना कहीं मस्का? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको जरा सा एक झलक जो है वो दिखा देती हूँ। पूरा आप जाकर इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं ऑल्ट बालाजी पर, यहाँ पर मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ। वो ये नहीं है कि अपना अपना बोल लिया सामने वाले की सुने ना, वो दोनों सुनते हैं, कंगना भी सुनती है और करण भी सुनता है। देखा आपने, यहाँ पर ये सभी लोग इस डिस्कशन में हैं जहाँ पर ये सब बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, शाइशा भी है यहाँ पर, और डिस्कशन ये हो रहा है कि करण कुंद्रा ऐसे जेलर हैं जो ये नहीं कि सिर्फ आकर हिटलर की तरह अपनी बात सुनाकर चले जाते हैं, करण हमारी बात सुनते हैं, कंगना रनौत भी आती हैं तो हमेशा हमारी बात को सुनती हैं, तवज्जो देती हैं, फिर उन्हें जो लगता है वो अपनी बात रखते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये दोनों, ऐसा लगता है काफी जनता को एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो है वो मस्का लगा रहे हैं। बट लेट मी टेल यू गाइस कि मस्का लगाने से कुछ नहीं होने वाला, लगाना है तो एफर्ट लगाओ एंटरटेनमेंट में ताकि जनता जो आपको देख रही है लाइव वो एंटरटेन हो। वेल, आपको इस बारे में क्या है कहना बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में।